असम पुलिस की गोली से एक और तस्कर घायल हो गया है। घायल गांजा तस्कर सुमन नवा को बरपेटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोसाई गांव के भावरागुड़ी इलाके में पुलिस के पिस्तौल छीनकर सुमन ने भागने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस ने उस पर गोली चलाई जिसमें सुमन घायल हो गया। घायल सुमन को पहले कुकराझाड़ स्थित रूपनाथ ब्रह्म सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बरपेटा कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुमन और राहुल सरकार ट्रक में 42 पैकेट गांजे को छिपाकर गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल ले जा रही थी। इस दौरान गोसाईगांव पुलिस ने गांजा सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुमन ने भागने की कोशिश की और उस पर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। उधर जब्त किए गए ट्रक और गांजा को किसी बदमाश ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें ट्रक और गांजा पूरी तरह जलकर राख हो गया। एक अहम खबर इस वक्त की, असम पुलिस की गोली से एक और तस्कर घायल हो गया है। एक गांजा तस्कर सुमन नवा पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे फिलहाल इलाज के लिए बरपेटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गोसाईगांव के भायरागुड़ी इलाके में पुलिस के पिस्तौल छीनकर सुमन ने भागने की कोशिश की थी, जिस दौरान पुलिस ने उस पर गोली चलाई और सुमन घायल हो गया। सबसे पहले उसे कोकराझाड़ स्थित रूपनाथ ब्रह्म सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बरपेटा कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुमन और राहुल सरकार ट्रक में 42 पैकेट गांजे को छिपाकर गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल तस्करी करने ले जा रहे थे, जिस दौरान गोसाईगांव पुलिस ने गांजा सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुमन ने भागने की कोशिश की और पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। यह बता दें कि जब्त किए गए ट्रक और गांजे को किसी बदमाश ने आग के हवाले कर दिया और इस दौरान ट्रक और गांजा पूरी तरह जलकर राख हो गया।